ऊना पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत 3 लोगों को चिट्टे के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की। वीरवार देर रात ऊना पुलिस की SIU टीम ने पीर निगाह रोड पर रेलवे फाटक के समीप नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान ऊना के पीर निगाह की तरफ जा रही एक कार को जांच के लिए रोका गया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस टीम ने कार के फुटमैट के नीचे छिपाकर रखा 19.08 ग्राम चिट्टा बरामद किया। चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपियों की शिनाख्त राम कपूर वासी मदनपुर ऊना, रमनदीप वासी जालंधर पंजाब और गुरप्रीत निवासी पुन्नू माजरा नवा शहर पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस पकड़े गए 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि यह नशे की खेप कहां से लाए थे और आगे किसे सप्लाई की जानी थी। SP ऊना कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाए हुए हैं और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। हमारे पुलिस कर्मियों को एक इन्फॉर्मेशन आया था कि पुलिस क्रॉसिंग के आसपास एक सिल्वर कलर की इंडिगो गाड़ी थी और उसमें 2-3 लड़के थे और उनके पास ऐसे चिट्टा है, तो उस हिसाब से हमारे पुलिसकर्मियों ने एक नाका लगाया और नाके के दौरान ये चिट्टा पकड़ा गया। अप्रॉक्सीमेटली 19.08 ग्राम्स का चिट्टा मिला। तो सर, जो पुलिस का अभियान चलाया गया, क्या भविष्य में ये अभियान जारी रहेगा? डेफिनेटली ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चिट्टा और सच नारकोटिक ड्रग्स के खिलाफ हमारा अभियान तो 100% सख्त रहेगा और इसमें पूरी तरह कार्रवाई हम करेंगे। लाइव टाइम्स TV के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।